जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है और उस चक्कर में ना वो बहुत सफर करते हैं। तो इस एक बात में शरीफ मत बनो, जब ना फील होता है दिल खोल के ना बोलो। इन्हों कमाल की बात है, ये लोग जानते हैं और दे यूज इट लाइक अ इंटिमिडेशन टेक्निक। उनको समझ आ जाता है ये शरीफ सा है, इसको मैं थोड़ा प्रेशर डाल के बोलूंगा ना ये कर लेगा, लोग इसका फायदा उठाते हैं। तुम मेरे को होत बहुत खूबसूरत दिखते मेरे साथ डेट पे चलेंगे। आप बताओ हाइपोथेटिकली तुमको दो चॉइसेस मिले, एक 2 करोड़ का चेक ओके और एक हॉलिडे इन मालदीव्स विद 6 हॉट गर्ल्स। हाँ, कौन सी चूज करोगे? मैं 2 करोड़ चूज करूंगा क्योंकि सेम पैकेज मैंने 60,000 में अरेंज कर लेना है। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. Russia? Yeah. Russian? Yeah. 15,000. Excuse me. कितनी गंदी सोच है आपकी. आप इंडिया बहुत गंदा है. इंडिया is a bad country. अरे नहीं. इसमें गंदे वाली कौन सी बात है मैडम? हम भी आपकी. ठीक है भाजी, यही लाइफ है. ये सीखते हो लाइफ च. डिगदे हो, खड़े होंदे हो. अहीं की करदे हैं, सारी दुनिया नू जज कर देंदे हैं. फलाने ने इदा कहता, अपने बारे अहीं एनालाइज नहीं करदे कभी. वो फिर जो ऐसा टाइम आता ना, रब तुम कल बिठा बह जरा सोच, आत्म चिंतन कर, सोच तू कि गलत है। दुनिया तो जिदा की हैगी चलती रही है, युगा युगा तो चलती आ रही है ना। लोगों ने तो इतने भगवान नु नहीं छड़िया, उन्होंने भी रोक ला देंगे लोग, तुम्हें तो है ही कुछ। एक मिनट शाहरुख सिर्फ मुझसे ही शादी करेंगे क्योंकि शाहरुख के बच्चे की माँ बनने वाली है रास्ता भी नहीं है। अरे क्या 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 सर, क्या कह रही है यार? ये घबराइए मत, इसको सदमा लगा है क्या? हम इसको शो में डायलॉग नहीं देते, आज दे दिया, बेचारी भावुक हो गई है। अरे यार ये मुझे जो लूज मोशन वाली है बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। हाँ बताइए ना। राम राम साहब, ये जरा लिपस्टिक दे राजू। मैं इधर हीरोइन बनने को आई थी तो मेरी दो पिक्चरें इधर गिरी, एक तो वो कांटेदार सैया और दूसरी जो निकली है ना छतरी का प्यार छतरी में, और अभी अभी एक तीसरी भी पढ़ने वाली है। कौन सी? भीगे होट इन द रेनकोट। मैंने सुना है कि विराट सर का पेट नेम चीकू है और मुझे चीकू मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रूट है। चख के देख ले मिठाई के खत्म। पाजी किसने रखा था आपका नाम चीकू? ये पाजी अभी मेरे ख्याल पता तो लोगों को, धोनी भाई सारे मेरे को चीज, वो भी मेरे को विराट बोलते तो मुझे अजीब लगता है किसने बुला लिया मुझे। अच्छा तो वो स्टंप माइक होता है, वो कीपिंग करते हैं तो वो सुनाई देता है टीवी में सब जी, तो वो ऐसे बोलते हैं चीकू इधर हो जा, चीकू इधर हो जा, तो वो लोगों ने पिकअप किया बहुत। तो मेरे को बड़े लोग बोलते हैं चीकू एक फोटो हो जाए, मैं कहा यार पड़ोसी में तेरा ऐसे बुलाया चीकू पहुंचा, उन्होंने कहा तू चीकू का रैबिट लग रहा है। तो उस टाइम से वो 2007 से मेरे ख्याल मेरा नाम चीकू पड़ गया। शुक्रिया नेहा, धन्यवाद आपका। मुंबई रहने वाली चीकू अच्छी तरह से खा ले ताकि मन भर जाए चीकू से, क्योंकि विराट का भी शादी करने का कोई इरादा नहीं। चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं उनको देख के तो नहीं रखी आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई। अंजलि, मैं तुम्हारे लिए पतंजलि से कुछ लेके आया हूँ। तो मैं पता है अंजलि, मैं तुम्हारे लिए रोज चलता हूँ, रोज गिरता हूँ, रोज चलता हूँ, रोज गिरता हूँ, रोज चलता हूँ, रोज गिरता हूँ। अंजलि आ, कोई बात नहीं, मैं गीता के लिए बोल देता हूँ। गीता, ओह नो, मैं तुम्हारे लिए चलने के लिए तैयार हूँ। गीता माँ बोलो आप। माँ होगी तुम्हारी? गीता मेरी माँ नहीं है, सब लोग जानते हैं कि धरती मेरी माँ है। अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आग लगती है। प्लीज वेलकम वेरी गॉर्जियस सनी लियोनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सनी आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। प्यारी समझ गई। नए साल की सबको ढेर सारी मुबारकबाद, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सेम टू यू। आपसे काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई नो, आप मुझे कॉल नहीं करते, समझ रहे हो? हाय भी नहीं बोलते, कुछ नहीं। हाउ आर यू, क्या चल रहा,
क्या हाल चाल? कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे फोन नंबर का वेट करते करते शादी की, उसके बाद ही की मैंने। सनी ऐसी बात नहीं, हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं, आप कभी कभी आती हैं हमारे शो पे, और आज तो इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है, ये सारी भीड़ आपके चक्कर में आई आज। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हर बात पे डांट पड़ती है। अच्छा जी जी, पर धुलाई भी होती है मेरी घर पे। पर वो धुलाई बोलने में आता है, असल में डांट पता की उनकी, सारा व्हाट आर यू डूइंग, बिहेव योरसेल्फ, ये होती है अमीरों की डांट। मैं आपको अगर डांट बताऊं ना, हम जैसे लोगों की डांट देखी आपने? गरीबों की, गरीबों ऐसे घुटनों में देखे ना, मुंह ऊपर से कोहनी मारता था। ये फर्क होता है, मैंने सीरियसली, आप कहते ना ओके मम्मा आई विल नॉट रिपीट दिस, हमारे प्रति मैंने एक और चीज देखी है, बड़े घरों के बच्चे ना, बच्चा गिर गया जैसे सारा कहीं गिर गई ना चल सकती, वो बीबी आई ऑल राइट, क्या हुआ, हुआ भी कुछ नहीं होता, डॉक्टर बुला लेते, डॉक्टर बुला, कॉल द डॉक्टर। हमारे ना, हमारे जैसे लोगों के बच्चा गिर जाए ना, माँ देखती नहीं कि बच्चा गिर गया, चार थप्पड़ और कर शरारत और मार दूं, ये हमारा हमारे साथ ऐसा होता है। कुछ एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, तो वो आप उनके फटाफट जवाब दीजिएगा, टीम में सबसे ज्यादा भूख किसे लगती है? ईशान शर्मा। ये कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को, जब ईशान शर्मा कभी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी भूख लगती है तो पर खाना जाता किधर है। अगला सवाल जो है, लड़कियों से सबसे ज्यादा दूर कौन भागता है? चेतेश्वर पुजारा। पुजारा नाम ही धार्मिक है, पुजारा नाम है भाई, पुजारा 5 बार पूजा करता दिन में, और वाइफ का नाम भी पूजा। सबसे ज्यादा फेंकता कौन है? रविंद्र जडेजा। आलसी कौन है टीम में? सबसे ज्यादा आलसी है मोहम्मद शामी। सबसे ज्यादा नींद किसको आती है बाजी? रोहित शर्मा। टाइम पे भी सोएगा तो भी लेट उठता, लेट सोए तो लेट उठता ही है। एक लास्ट सवाल है, ये था कि सबसे ज्यादा लड़कियां किस पे मरती हैं? गिनी, आप बहुत अच्छे घर से हो, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे घर से हो जी। एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोच के प्यार किया था तुमने? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं, इस गरीब का भला ही कर दूं। अभी मैं हाल ही में उनको मिला, और वहां करीबन 18-20 लोग बैठे हुए थे, और सब सिर्फ रजनीकांत साहब को देख रहे हैं, और यूं और सर चाय पी रहे थे, चाय पी के उन्होंने कुछ शायद इधर डर्ट होगा, सिर्फ यूं किया, और सबने कहा मतलब सिर्फ यही किया, अरे यार मतलब उनका ऑरा ऐसा है, इतने करने से ही सब कुछ इतना हो जाता है। मैंने भी कोशिश की, एक कुत्ता तक नहीं बोला।